महावीर पटेल शाहजहाँपुर मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। इसमें कपाल से पैर का अंगूठा लगाने में क्या अभिप्राय है और मेरा इस किस पैर का लगाना चाहिए? ये मुख्य बात क्या है इसमें से? ये दादाजी जब ज्ञान दिया तो हमें जागृति रहती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, महावीर पटेल अलग है। अभी शुद्धात्मा का ज्ञान मिला हमें तो हमें लगता है बस वही पूर्ण दशा आ गई, अभी कोई आगे बाकी नहीं है। नहीं, मगर आगे की स्टेज है, ये अंतरात्म दशा है। अंतरात्म दशा में हम पांच आज्ञा का पालन करना पड़ता है, जागृति रखनी पड़ती है पांच आज्ञा, और जितनी पांच आज्ञा पालन करते जाएंगे तो बाद में धीरे धीरे जागृति बढ़ते बढ़ते त्रि चौथ पाँचम पूनम तक पहुँचेंगे। पूनम दशा आ गई, फुल स्टेज, उसको विज्ञान स्वरूप बोला जाता है, उसको केवल ज्ञान स्वरूप बोला जाता है, एब्सोल्यूट स्टेज। तो ये हम अंतरात्म दशा में रह के भावना करते हैं कि हमें आगे की स्थिति में पहुंचना है, तो ये भीतर वाले ही आत्मा वही केवल ज्ञान स्वरूप है। हम तो पहले अज्ञान दशा में थे, बाद में ज्ञान हुआ तो जागृति मिली हमें कि मैं महावीर पटेल नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ अंतरात्म दशा, वहाँ से केवल ज्ञान स्वरूप में अभेद होना है। नहीं, वो शुद्धात्मा की प्रार्थना में आता है ना शब्द, यस सर, हे अंतर्यामी परमात्मा आप ऐसी कृपा करो हम आपके साथ अभेद हो जाए, हमें भेदभाव छूट जाए सर। तो ये हम आत्मा के साथ, मूल आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ अभेद होना चाहते हैं भीतर में ही। तो ये मूल आत्मा के साथ अभेद होने के लिए हम अभी से शुरुआत करते हैं, भीतर वाले शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। दादाजी खुद भी अपने पैर का अंगूठा यहाँ टिका के भीतर वाले दादा भगवान को नमस्कार करते थे, तो वो खुद ही बता, मैं भी ऐसे नमस्कार करता हूँ, आप भी ऐसे सीख लो। क्योंकि ये बात कभी हुई थी उनकी, 87 में जब अमेरिका जाते थे तो थोड़े दिन बचे थे अभी, अमेरिका जाने के बाद आए वापस और बाद में उनका देह त्याग हुआ, तो ये टाइम पर उनको ऐसे मालूमात होनी चाहिए कि अभी ज़्यादा शरीर टिकने वाला नहीं है। तो उन्होंने सबको निरालंब बना दिया कि पहले दो रोज दादाजी के अंगूठे पे सब लोग विधि करते थे और मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसे आशीर्वाद लेते थे। तो दादाजी ने बताया अभी मैं तो जाऊँगा तो आपको मैं दूसरा सब्स्टिट्यूट देता हूँ, रोज रात को पांच बार मैं विज्ञान स्वरूप हूँ ऐसे खुद के ही अंगूठों को पर विधि कर लो, तो दादाजी की विधि जितना ही फायदा आपको मिलेगा, ऐसे उन्होंने ये उपाय बता दिया था। अच्छा सर, एक थोड़ा सा क्वेश्चन और है, ये वज्रायाम का मतलब हमें समझ में नहीं। वज्रायाम ने उपाध्याय को नमस्कार करते हैं, ये त्रिमंत्र की किताब में ये सब अर्थ दिया है इसका। त्रिमंत्र किताब है, है उसमें त्रिमंत्र का अर्थ है नमो अरिहंताणम मालूम, नमो सिद्धाणम मालूम, नमो आयरियाणम। वज्रायाम ने उपाध्याय, जैसे नमो लोये सवसावण, मैंने साधु भगवंत को नमस्कार कर, आत्मदशा की जो साधना करता है वो साधु बोला जाता है। आत्मदशा साधे उसको साधु बोला जाता है, और वो जैसे स्टूडेंट जैसी स्थिति है, और ये टीचर जैसा है उपाध्याय, यानी स्कूल में नहीं रहते उपाध्याय, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी बोला जाता है, टीचर को उपाध्याय बोलते हैं और प्रिंसिपल साहब को आचार्य बोला जाता है। तो आत्मज्ञान की स्थिति में जो साधना कर रहा है आत्मज्ञान पाने के बाद, वो साधु पद है, और खुद पढ़ता है दूसरे को हेल्प करता है उपाध्याय पद है, और जो खुद का हो गया जैसे दादा भगवान आचार्य पद, पूर्ण आत्मज्ञान के अनुभव की कक्षा पूरी हो गई उनकी, और उससे भी आगे अरिहंत पद सिमंदर स्वामी जैसे, और उससे भी ऊपर सिद्ध भगवंत मोक्ष चले गए। समझ में आया? हाँ सर, एक सेकंड सर, ये अभ्याभाग और ये टंकोत किण्वत का इनका थोड़ा अभ्याभाग स्वरूप यानी क्या बोलता है? एक बाधा पीड़ा, जैसे बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा, हम माचिस की ऐसे दिया सली जलाए और उसको टच कर दिया तो बर्फ जल जाएगा? नहीं सर, क्यों जल जाएगा? तो बर्फ का इतना ठंडा स्वभाव है कि गर्मी भी उसको टच नहीं हो सकती, गर्मी ठंडी हो जाती है। तो आत्मा ऐसे आनंद घन स्वरूप है और उसको बाधा पीड़ा टच नहीं हो सकती, और सामने वाला का भी आत्मा ऐसा ही है, उसको बाधा पीड़ा टच नहीं हो सकती। तो बाधा पीड़ा कौन करता है और किसको करता है? तो अहंकार करता है और दूसरे वाले अहंकार को करता है। शरीर
इफेक्टिव है मगर भुगतता है अहंकार कि मुझे दुख दिया इसने, आत्मा को दुख पहुंचता ही नहीं है। तो हमें अज्ञानता से हम मानते थे कि मुझे ही दुख देता है, अभी हमें जागृति आ गई कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ और मैं अव्याबाध स्वरूप हूँ, मुझे बाधा पीड़ा टच नहीं हो सकती। ओके सर, अब महावीर पटेल का अहंकार को टच होगी बाधा पीड़ा, आपको टच नहीं होगी। ठीक, अब ये जुदापन की जागृति रहे, मैं तो अव्याबाध स्वरूप हूँ और ये दुख टच हुआ वो अहंकार को हुआ है, अहंकार दुख सर के ऊपर ले लेता है, भुगत लेता है और मन वचन काया को इफेक्ट होती है। ठीक, ये असर वाला है शरीर। यस सर, उसको शाता अशाता असर होती है और अहंकार मुझे हुआ मान के सुख दुख भुगत लेता है। तो हमें जितना अहंकार खत्म हो जाएगा तो शरीर को शाता अशाता रहेगी, आत्मा को दुख सुख टच नहीं होएगा। यस सर, क्यों? तो कि अहंकार बीच में खत्म हो गया। अभी हमें क्या हुआ है, मैं शुद्धात्मा हूँ, जागृति मिली, पर डिस्चार्ज अहंकार है बीच में। अभी डिस्चार्ज अहंकार धीरे 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 खत्म होते जाएगा, बाद में शरीर की वेदना आत्मा को भी नहीं होगी कुछ। हमें जागृति रहेगी, मुझे टच होता ही नहीं, दुख टच होता ही नहीं। जागृति रहती है सर, लेकिन उसका मीनिंग मतलब वो ट्रांसलेशन, हाँ हरकत नहीं, हरकत नहीं, समझ में आया। टंकोत्कीर्णवत का मतलब क्या होता है, टंकोत्कीर्ण यानी जैसे तेल और पानी खूब हिलाया एकदम, यस सर, तो थोड़ी देर के बाद देखो तो तेल ऊपर रहेगा, पानी छूटा हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाते। तो एक दूसरे का स्वभाव ऐसा है कितना भी साथ में रहे तो भी इमिक्सिबल है, मिक्सचर नहीं हो जाता है। ठीक है सर, तो ये आत्मा और जड़ तत्व ऐसे स्वभाव के अनंत अवतार से साथ में ही है, लेकिन अलग अलग, एक दूसरे के स्वभाव बिगड़े नहीं। यस सर, नया कुछ हुआ है मगर बिगड़ा नहीं है। हुआ क्या है, रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो गई, मैं ही महावीर पटेल हूँ, और रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो गई तो जड़ तत्व में भी विशेष परिणाम उत्पन्न हो गया, पर दोनों के स्वभाव बिगड़े नहीं है। अज्ञानी में भी आत्मा अभी भी शुद्ध ही है, ठीक है, और वो खुद भी जानता ही है कि ये पांव दुख रहा है, ये नहीं दुखता है, यहाँ से यहाँ डॉक्टर को सब बताता है, पर बिलीफ उसकी रॉन्ग है, मुझे होता है। तो ज्ञान के बाद रॉन्ग बिलीफ छूट जाती है, राइट बिलीफ मिल गई, तो आत्मा तो शुद्ध ही है, बिगड़ा ही नहीं। इसके लिए दो घंटे में शुद्ध आत्मा की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बिगड़ा ही नहीं, टंकोत्कीर्णवत स्वभाव है। टंकोत्कीर्ण यानी इमिक्सिबल, एक दूसरे के स्वभाव बिगड़े ही नहीं कभी। जैसे सोना चांदी कॉपर 20 साल 50 साल 200 साल के बाद में भी उसमें से सोना शुद्ध ही रहता है, पर ये मिश्रण में अंगूठी बनती है, बंगल बनती है, मिटियाँ अपने हार बनता है, पर शुद्ध तत्व सोना बिगड़ा नहीं है। ठीक है, समय इसे बिगड़ता नहीं, आत्मा का स्वभाव बिगड़ा ही नहीं, इसका मतलब अभी टंकोत्कीर्णवत। समझ में आया? जय सच्चे। हाँ, क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल, क्या पूछना चाहते हो? दादा भगवान तो आर्य नमो में आते हैं, नमो नमो आचार्याणम, आय हरियाणम में आते हैं, नमो सिद्धाणम, महावीर भगवान मोक्ष चले गए वो सब आते हैं, और निर्मा और दीपक भाई किस में आते हैं? उपाध्याय में आएंगे, आज आय उजायणम में आएंगे, और महात्मा लोग साधु भगवंतों में आ जाते हैं, पंच परमेष्ठी पद में आ गए, बाहर बोलने के लिए नहीं, भीतर में समझने के लिए। जय सच्चे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो पद में आ जाते हैं। अंकित कुमार, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, जबकि भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ पता नहीं मन कहीं ना कहीं चला जाता है, मेरी मुश्किल हल कर दो, मेरा मन हमेशा भटकते रहता है, उसको शांत करने का उपाय बताइए। एक तो उपाय यह है कि आप परसों ज्ञान ले लो, परसों ज्ञान ले लो, अंकित कुमार अलग है और मैं शुद्धात्मा हूँ, जागृति मिल जाएगी आपको, और बाद में मन जो अस्थिर हो गया है, सचमुच मन भटकता नहीं है इस शरीर में, मन तो शरीर से बाहर निकलता ही नहीं, चित्त भटकता है हमारा, ये चित्त टीवी देखते हैं तो हमारा चित्त टीवी में एकाग्र हो जाता है और फोटो गिरा लेता है, बाद में फोटो याद आती रहती है, कुछ भय है तो वो याद आते रहता है, कुछ अरे बस स्टैंड पे खड़े हैं तो लड़कियां देख ली तो फोटो गिर जाते मन में, चित्त में होता है ना ऐसे, वो सब नुकसान हो जाता है हमारा, चित्त बिगड़ गया इसके लिए एकाग्रता टूट जाती है, अभी चित्त की शुद्धि हो गई तो एकाग्रता वापस आ जाएगी। तो उसके लिए उपाय एक बताते हैं आपको, रोज 10 मिनट
दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलो और शब्दे शब्द पढ़ के दादा भगवान के असीम जय जयकार हो, एक एक शब्द पढ़ सके हम दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। और जितने शब्द आप पढ़ के करोगे, कान को सुनाई दे मुझसे बोलने का और शब्द आँख बंद करके पढ़ने के, तो उसे चित्त की शुद्धि होती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। समझ में आता है आप? तो 10 मिनट एवरी ब्रेक के टाइम 10 मिनट इतना करो और दादाजी से दूसरा शक्ति मांगो, हे दादा भगवान मुझे एकाग्रता से पढ़ सकूँ ऐसी शक्ति दो, मुझे सब याद रहे, धारण हो जाए, याद रहे ऐसी मुझे शक्ति दो, अच्छी तरह परीक्षा में मैं लिख सकूँ ऐसे मुझे शक्ति दो। आप इतना करोगे हाँ तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, आपको अभी मन में जो विचार आते हैं, किसी के लिए नेगेटिव विचार आते हैं या परीक्षा का टेंशन के विचार आते हैं, ऐसे कुछ है? नेगेटिव ही आते हैं हमेशा परीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए। हाँ तो उसके लिए अभी शक्ति मांगो, दादा भगवान ये जो ये ज्ञान लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ये अंकित कुमार पढ़ता है, फाइल है, मैं शुद्धात्मा हूँ, फाइल का संभाव से निकाल करना है, तो आपका नेगेटिविटी धीरे धीरे टूट जाएगी, छूट जाएगी। और आप कौन से क्लास में क्या पढ़ते हो अभी? दसवीं में हूँ। दसवीं में हो तो बहुत टेंशन से मत पढ़ो, दादाजी के शक्ति मांग के अच्छी तरह हो जाएगा। और ज्ञान की जागृति में रहो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, धीरे धीरे पावर बढ़ेगा आपको। हाँ और टेंशन में मत आ जाओ, दादाजी क्या बताते हैं कि आप जितनी एकाग्रता की शक्ति से पढ़ोगे तो 8 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाएगा। और ये धीरे धीरे इसमें टाइम निकालो। और दूसरा चित्त शुद्धि का उपाय ये है, दादाजी की चरण विधि आपको देंगे, उसमें सब प्रार्थनाएँ हैं, विधियाँ हैं, तो ज़रूर टाइम निकाल के पढ़ो, 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट की, ऐसी विधियाँ आप पढ़ते जाओगे तो चित्त की शुद्धि होते जाएगी। दूसरा उपाय है पढ़ने का, जब 1.5-2 महीना टीवी बंद कर दो। हाँ सत्संग का प्रोग्राम ज़रूर देखो, मगर आगे पीछे सीरियल सब बंद कर दो। चित्त ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ जाता है विषय विकार के दृष्टि दोष में, और टीवी मैगजीन सब पढ़ते हैं विषय विकारी, उसमें सबसे ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो इसके लिए प्रतिक्रमण करो कि हे दृष्टि दोष हो गए, विचार दोष हो गए, तो हे दादा भगवान मेरे से दृष्टि दोष हो गया, माफ़ी मांगता हूँ, मुझे निर्विकार रहने की शक्ति दो। और ये 9 कलमें लिखी है दादाजी की प्रति प्रार्थना में, तो उसमें 6ठी कलम यही लिखी है कि मुझे निर्विकार रहने की शक्ति दो। तो ये भावना करने से चित्त की शुद्धि बहुत हो जाएगी, तो आप 2-3 घंटे में तो 5-8-10 कले का पढ़ सकोगे बाद में। हाँ तो इतना ज़रूर करो आप। हाँ यही सच्चिदानंद। ओम प्रकाश प्रजापति। चरण विधि करते समय बुद्धि दखल देती है, आवाज़ निकलती रहती है मुझसे, और चीत और बुद्धि दखल देती है, उसका समाधान करें। धीरे धीरे चरण विधि आपको मुखपाठ हो गई है जी सर, तो ऐसे बोलते रहते हैं और मैकेनिकल बोला जाता है और चित्त किधर भटक जाता है जी सर। हाँ तो थोड़ा पढ़ के करो, चरण विधि किताब लो और पढ़ो, हे निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद। और आप ही नक्की करो कि भाई ओम प्रकाश जरा इधर ध्यान देने का, एक एक शब्द पढ़ के करो, धीरे धीरे उपाय करो। और चित्त कहाँ भटकता है ज़रा नोट करो, खाने में चले जाता है, पैसे में चले जाता है, काम का नौकर नहीं आए उसमें चले जाता है, नहीं जैसे सामान लेते हैं वहाँ पर चले जाता है, दुकान वगैरह में, जैसे कोई माल घटा हुआ है उसको लेने के लिए, क्योंकि सामान फलाने दुकान में मिलेगी, तो आप उधर जाने के बाद खरीद कर सके कि अभी से खरीदी हो जाएगी, मोबाइल से फ़ोन करना पड़ता है जी, नहीं खुद जाना पड़ता है जी, तो उधर नहीं मिलेगा कि मिलता है सामान, वो जैसे दिखाता है कि मतलब ये सामान फलाने दुकान में मिलेगी। हाँ तो मिलेगा, तो आप ओम प्रकाश के साथ बात करो, ओम प्रकाश जी देखो आप बैठे हो, अभी खरीदी होगी कि बाद में होगी उधर जाने के बाद, वो क्या बताएगा उधर जाने के बाद? हाँ वर्तमान में रहो, क्यों भविष्य काल में घुस जाते हो, थोड़ा उपाय करो कि उधर जाने के बाद जाऊँगा तब खरीदी कर लूँगा, तभी अभी 10-15 मिनट स्थिरता से विधि करो। ये बुद्धि को क्या है, समाधान चाहिए, उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या, जो पॉइंट लिख लो, ये खरीदी करनी है, ये खरीदी करनी है, ये 20 आइटम नाम लिख लो, बाद में किस्से में पॉकेट में रख दो, घड़ी पूड़ी बना के, अभी समझ गया इतना इतना लेने का है, अभी चलो शांति से विधि करो, धीरे धीरे हो रहा है इसे। हाँ मगर उसका उपाय करो, ये बुद्धि को क्या है, उसको
कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका सॉल्यूशन के लिए बुद्धि चलती ही रहती है, तो आप उसका सॉल्यूशन बता दो, भाई 2 घंटे के बाद हम जाएंगे तब खरीदी करेंगे, तब तक क्या क्या खरीदी करना है पहले लिख लो, लिख के कागज़ पे लिख लिया तो मन को शांति हो जाएगी, चलो हमने आइटम सब लिख लिया, अभी टाइम शांति से हम विधि कर लेते हैं। समझ में आया आपको? जी। प्रतिदिन खेत में काम करने से या वाहन चलाने से जो जीवों की हत्या हो जाती है उसका रूप याद नहीं रहता? नहीं नहीं, ऐसे कोई कारण नहीं है, उसका सामूहिक प्रतिक्रमण करने से इसमें से बाहर निकल जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि ये मुख्य कारण नहीं है, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है वो चीज़ हमें याद रह जाती है, और जीव की हिंसा का कारण दूसरा है, उसका नुकसान दूसरा आवरण आता है, दूसरा प्रकार का नुकसान होता है, मगर ये इंटरेस्ट है जिसमें वो याद रह जाएगा। इंटरेस्ट कम है तो कम याद रहेगा, इंटरेस्ट नहीं है तो याद ही नहीं रहेगा, याद बिल्कुल नहीं रहता है। हाँ, तो इंटरेस्ट और पैसा ये काम याद रहता है क्या? खरीदी करना याद रहता है? नहीं। अरे कुछ ना कुछ होता ही है, अरे नहीं तो दूसरा कुछ याद रहता होगा, पैसे कितने हमारे बच्चे कितने गए वो याद रहता होगा, किसने इंसल्ट किया किसने मान दिया वो याद रहता होगा, कुछ ना कुछ क्रोध है मान है लोभ है मोह किधर ना किधर याद शक्ति होनी ही चाहिए, और नहीं होगा तो फिर आत्मा ही याद रहना चाहिए हमारे जैसा, जैसे आत्मा सब भूल गए तो आत्मा ज़्यादा याद रहना चाहिए। जैसे दादा की कोई जैसे बात होती है ना, जैसे आरती वगैरह में तो 1-2 शब्द बराबर चलते रहता है वो मन। हाँ, तो हरकत नहीं, मगर अमर अभी आप क्या समझो, ओम प्रकाश को जुदा रखो और ओम प्रकाश के पास काम लो, खाने टाइम चित भी हाजिर रहना चाहिए, काम करने के टाइम चित हाजिर रहना चाहिए, चलो विधि करने के टाइम चित हाजिर रहना चाहिए, हम उनसे काम लेंगे। जुदापन की जागृति रखो तो धीरे धीरे सेटिंग हो जाएगा। समझ में आया? जी। जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अपने आप कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। जय सचिदान। राजीव कुमार, आत्मा नोअर एंड सियर है, कृपया उसको मुझे गहराई से समझाइए, यहाँ भी बताइए, यह भी बताइए, एक साथ देखना और समझना किस तरह संभव है। एक्चुअली क्या होता है कि आत्मा के 2 मुख्य गुण हैं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति, वो भी उनके ही गुण हैं, पर ये प्रत्यक्ष क्रियाकारी दिखते हैं, मगर अनंत ज्ञान जब वापरा जाता है तो जान पाना बोला जाता है, अनंत दर्शन वो दर्शन शक्ति से वो देख सकता है और जान सकता है, वो जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। तो जानना और देखना में क्या अंतर है, कैसे समझे जुदापन, कैसे वो उसको सेट करे? दादाजी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि समझ लो आप यहाँ बैठे हो और कुछ आवाज़ आया नहीं, लाइट से आवाज़ आया तो सबने कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ, तो कुछ हुआ अनडिसाइडेड ज्ञान, और कुछ हुआ तब दर्शन यानी देखना बोला जाता है दर्शन से। बाद में समझ में आया कि हेलोजन लाइट का बल्ब टूटा तो समझ में आया, वो डिसाइडेड हुआ तो ज्ञान बोला जाता है, ज्ञान से हमने जाना कि क्या हुआ। तो दर्शन से हम समझ सकते हैं, ज्ञान से हम जान सकते हैं। समझ में आया? ये दोनों का डिफरेंस है। नियम ऐसा ही है कि दर्शन पहले दर्शन होता है बाद में ज्ञान होता है, मतलब दोनों एक साथ नहीं होता। हाँ, एक साथ नहीं होता है जनरली, क्योंकि कुछ समझ में आएगा। अभी देखो ना, आपका नाम बोला राजीव कुमार तो पहले सुनेगा मेरा नाम लगता है, मेरा ही लगता है, तो पहले समझ में आता है बाद में ज्ञान होता है, हाँ मेरा ही है, बाद में आप खड़ा हो जाते हो, तो पहले दर्शन में आता है। अच्छा अच्छा। मगर दर्शन एग्जैक्टली लिंक क्या है कि दर्शन के पहले एक ज्ञान मिलता है, ये व्यवहार ज्ञान क्या है कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये शब्द ज्ञान पहले मिलता है, बाद में आप उसके ऊपर श्रद्धा रखते हो कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा आपकी श्रद्धा बैठने से थोड़ा थोड़ा अनुभव में आता है कि हाँ दुख नहीं दिया अच्छा लगा, उसको भी सुख लगा मुझे भी सुख हुआ, तो ये श्रद्धा तो दर्शन मजबूत होता है और थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। अच्छा, एक और बात दीपक भाई जी, जैसे व्यवहारिकता निभा रहे हैं उसको हम मतलब देख, जैसे जब जिस समय हम व्यवहारिकता निभा रहे हैं उस समय हम देख सकते हैं कि नहीं व्यवहारिकता निभा रहे हैं, वो कहाँ रखना है दर्शन और ज्ञान? ये आप राजीव कुमार को देखो,
अभी राजीव कुमार में नहीं है भाई साहब, बता बहुत विचार आते रहते हैं, काम पढ़ने के टाइम बहुत विचार आते रहते हैं, तो किस किस विचार आए हमें मालूम नहीं, कौन से विचार। तो हम दृष्टा है और दृश्य है, हम दर्शन से देख सकते हैं कि विचार आए, मगर कौन से विचार हमें ख्याल में नहीं है। बाद में आया कि नहीं पढ़ाई के बारे में आते हैं, पैसे के बारे में आते हैं, खाने के बारे में आते हैं, तो डिटेल हम समझ में आया तब हम ज्ञाता है। तो ज्ञान से हम ज्ञाता रहते हैं और जान सकते हैं। ऐसे राजीव कुमार को आप जुदा है ऐसे समझते हो, वो दर्शन दृष्टा बोला जाता है। बाद में जुदापन में अब रहेगा, ये बुद्धि का परिणाम है। तो जाना तब आप ज्ञाता होते हो, समझ में आया। तो हम बाहर की चीज़ जो देखते जानते हैं उसमें भी ये दृष्टा ज्ञाता उपयोग में आ सकता है। जैसे खाना खाने को बिठाया तो जो ये जो बर्तन रहते हैं उस ढके रहते हैं, तो आप उस टाइम पे दृष्टा है कुछ खाने की चीज़ है इसमें, बाद में खोल के बताए इसमें सब्जी है, आलू मटर की ये राइस है, तो आप जाना तब ज्ञाता हो गए। समझ में आया, यानी हमेशा दृष्टा ज्ञाता का प्रयोग है ना, वो देखना जानना चालू ही रहता है। आप सत्संग में आए तब देखा ओ सब बैठे हैं तो दृष्टा दर्शन है, जाना अरे समझा। बाद में वो हमारे गाँव वाले भी बैठे हैं, हमारे पड़ोसी भी बैठे हैं, वो जाना तो ज्ञाता बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता है। समझ में आया। सामान्य भाव से देखे सब पेड़ है तो दर्शन बोला जाएगा, और विशेष भाव ये नीम का पेड़ है, आम का है, तो उसको ज्ञान बोला जाता है। दर्शन और ज्ञान का ये डिफरेंस है। समझ में आया। ठीक है।